केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वीर शहीदों के नाम की स्मार्क पट्टिका लगाए जाने को लेकर बयाना ब्लॉक की ग्राम पंचायत धादरन में विवाद हो गया। धादरन के कुछ ग्रामीणों ने विरोध करते हुए सरकारी स्कूल में शहीद के नाम की स्मार्क पट्टिका लगाने से मना कर दिया। विवाद के बाद कुछ ग्रामीणों ने सरपंच के पति अशोक कुमार को फोन कर धमकी देते हुए अपशब्द भी कह दिए। इसे दो दिन पहले हुआ यह विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर महिला सरपंच के पति अशोक कुमार के साथ मदनपुर गांव के सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए। मदनपुर गांव के ग्रामीणों ने दादरन गांव के कुछ ग्रामीणों पर शहीद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस संबंध में डिप्टी एसपी नीतिराज सिंह और एसएचओ सुधीर कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पूर्व प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र बुढ़वार, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना, पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कांवर आदि भी मौजूद रहे। भरतपुर से हमारे संवाददाता देवी सिंह प्रजापति की खास रिपोर्ट। हमारे गांव में जो पट्टिका लगाई जा रही थी साहब, मुख्यालय पर लगनी थी, वहां धादरन वालों ने विरोध कर दिया, नहीं लगनी थी। शहीद को हमारे को अपमान किया है, गाली भी दी है, समाज को भी बात शिकायत करी है, सीओ साहब को ज्ञापन भी दिया है। अभी इसी टाइम क्या आश्वासन दिया सीओ साहब ने? बिल्कुल जो कानून कार्रवाई होगी वो बेहतर करी जाएगी।